वीडियो और आपका अच्छी वीडियो स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसका टाइटल है लेजेंड्स ऑफ इंग्लिश फनीस्ट इंग्लिश फेल्स। वैसे तो इसके बारे में हम कोई कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि हम लोगों की कोई दिखास नहीं है। इनकी तो फिर भी अच्छी है, मेरी तो नहीं, मैं भी अंधों में गाना राजा हूँ। अभी हम मिलते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो का चैनल का ओरिजिनल लिंक जो है आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा हमारे ब्लॉगिंग चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो। पृथ्वी के आरंभ से ही इंग्लिश पर निरंतर अत्याचार होते रहे हैं। कभी तो टिकटॉक वालों ने इंग्लिश को रुलाया, और डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे कॉमेडी वीडियो है गाइस, पर नैन्सी एसियन गलत किया गया है इस वीडियो में सिर्फ कॉमेडी के लिए। अगर तुम फनी प्रोनंसिएशन वाली वीडियो बना रहे हो और तुम्हें खुद पर नैन्सी एसियन के स्पेलिंग नहीं आते तो सबसे बड़े बेवकूफ तो तुम खुद हो। यू कैन नॉट मेक अ जोक इफ यू आर अ जोक। तो कभी इन इंटरव्यू वालों ने इंग्लिश की ऐसी की तैसी करी। सर, आई एम वर्किंग विद BSNL टेलीफोन कंपनी। व्हेनेवर द लाइन गोज अप, आई राइट द टेलीफोन खंबा एंड मेक द लाइन गुड। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अब मैं समझा कि BSNL का नेटवर्क इतना बेकार क्यों है, क्योंकि जब भी उसकी लाइन खराब होती है ये बंदा टेलीफोन खोम्बा की सवारी करने बैठ जाता है। He rides the telephone khomba and make the line good. लेकिन इतने सब के बाद भी इंग्लिश सहती रही, सभी अत्याचारों से लड़ती रही। नहीं अब मर गई। इसके बाद मर गई भाई इंग्लिश, फांसी लगा ली उसने खुद को। मुझे लगता है मेरी कनाऊ लेड़गे काफी कम है जो मैं आज तक कनाऊ लेड़गे को नॉलेज बोल रहा था। कनाऊ लेड़गे नहीं, इट इज कनाऊ लेड़गे। आई नीड टू बिकम कनाऊ लेड़गे बल। तू भी थोड़ा सा सीख ले। अबे हग्गू, इसका नाम हग्गू है, ही इज नॉट वेरी कनाऊ लेडगेबल, यू नो। तो इसको देखने के बाद मैं एक शायरी पेश करना चाहूंगा। अर्ज किया है, पानी में चलती है मछली और हवा में उड़ता परिंदा है। वाह 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 वाह, पानी में चलती है मछली और हवा में उड़ता परिंदा है। इंग्लिश हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल अभी जिंदा है। मैं ये नहीं कह रहा कि इंग्लिश बोलना जो है वो बहुत जरूरी है। अगर आपको इंग्लिश की कनाऊ लेड़गे नहीं है तो आप ना बोलिए, हिंदी बोलिए और गर्व करिए। यू शुड बी प्राउड कि यार हम हिंदी बोलते हैं। बस ठीक है, इंग्लिश का ये फायदा होता है कि उसकी वजह से आपको ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है। मतलब देयर इज दिस स्टैट कि अगर आपको इंग्लिश आती है तो आपको 30% ज्यादा चांसेस है जॉब्स मिलने के। एंड अगर आप इंग्लिश की कनाऊ लेड़गे बढ़ाना चाहते हैं तो आप डुओलिंगो ऐप पे जाइए। इट इज एन अमेरिकन ऐप, चाइनीज नहीं। और फिर तुम बोलोगे अरे बड़ी महंगी ऐप होगी, एकदम फ्री। फिर तुम बोलोगे अच्छा फ्री ऐप में एड्स बहुत सारी होंगी, एड भी नहीं है भाई। एड फ्री एक्सपीरियंस, 4.7 की रेटिंग प्ले स्टोर पे, 100 मिलियन से ज्यादा इसके डाउनलोड्स हो चुके हैं। वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर ऐप इट एक्चुअली इज। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, प्ले स्टोर से तुम डाउनलोड कर सकते हो। एंड तुम में से जो लोग बोल रहे होंगे मेरे को तो ऑलरेडी इंग्लिश आती है, मैं क्या करूंगा यार, तुम सिर्फ इंग्लिश नहीं, इसमें तुम फ्रेंच और स्पेनिश भी सीख सकते हो। एंड मैं भी एक्चुअली इस पे फ्रेंच की थोड़ी बहुत चीजें सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड जितना टाइम गेम्स वगैरह पे स्पेंड करते हो तुम, उसका थोड़ा सा भी तुम इस ऐप पे स्पेंड करोगे ना तो मुफ्त में तुम लैंग्वेजेस वगैरह सीख सकते हो। लिटरली सिर्फ 10 मिनट स्पेंड करना है तुम्हें दिन का, सो इट इज नॉट अ बिग डील आई थिंक। तो डाउनलोड कीजिए डुओलिंगो ऐप और अपनी लैंग्वेजेस की कनाऊ लेड़गे बढ़ाइए और बनिए कनाऊ लेड़गेबल। अब वक्त है आज की ब्रेकिंग न्यूज का। पिछले साल की तरह इस साल भी हमें फैन फेस्ट में नहीं बुलाया गया, लेकिन हमने उस फैन फेस्ट को रिव्यू करते हुए एक लाइव स्ट्रीम करी जो टेक्निकली फैन फेस्ट से ज्यादा इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि फैन फेस्ट तो बहुत ही बोरिंग था। Ladies and gentlemen, we got him. हम बात करने वाले हैं इंग्लिश के लेजेंड्स के बारे में, इंग्लिश के उन दिग्गजों के बारे में जिन्होंने इंग्लिश की ऐसी की तैसी कर रखी है। सबसे पहले आ रहे हैं द गॉड हिमसेल्फ, इंग्लिश के देवता भगवान, जो हमें ये बताने वाले हैं कि डायनासोर क्या होता है। हु विल ए डायनासोर, हु विल ए डायनासोरस। ओके, द डायनासोरस विल ए एनिमल, ही विल बी स्टे इन अ इंडिया जंगल, ही विल बी स्टे इन अ इंडिया जंगल, but you are also able for see him in a zoo, like for example in a Delhi zoo
you can be see a dinosaurus. Me get what he say. I know you know understand because your knowledge very low. His knowledge very high. You know, you need knowledge to understand what he say. But I understand. This same man make video long time back. Earth flat. He prove earth flat. Earth. Not around, he will flat. Then he make video me very bullshit man. He will made a dirty video for me. His name will trigger insan. But then I say sorry, then we became friends. Yeah, but then he again make video me most dangerous persons in the world. Then you have the triggered insan. Sir, me not dangerous persons, I am friend. Okay? Okay. Now me explain what is it. He's a dinosaur in jungle, in zoo, Delhi zoo, he see. Inhone dekha hai. Sometimes you are make a confuse for a dinosaurus and a other animals who will looks just like a dinosaurus. So this animals, his name will a भूल गया हिप्पोटामस ओके तो जो सर का कहना है कि आप जो है कभी कभार एक डायनासोर और एक दूसरे जानवर के बीच में कंफ्यूज हो सकते हैं एंड इस दूसरे जानवर का नाम है हिप्पोटामस ही मेंट टू से हिप्पोपोटामस बट फिर भी कोई एक डायनासोर और एक हिप्पोपोटामस में कैसे कंफ्यूज हो सकता है आई एम कंफ्यूज The Hippopotamus and a dinosaurus will looks like a same but actually a different. What? हिप्पोटामस और डायनासोर एक जैसे दिखते हैं भाई किसकी कनॉलेज गई इतनी कम है कब से ये प्राणी और ये प्राणी एक जैसे कब से दिखने लग गए He will like not like a brother but like a uncle child's like that. Brother, Cousin. Not the mother-child brother. No, Achha. He will like that. Like, not the real brother. मुझे literally ये चीज तीन बार सुननी पड़ी ये समझने के लिए कि ये कहना क्या चाहता है. So basically he meant to say कि एक dinosaur और hippopotamus जो है Cousin. वो real भाइयों की तरह नहीं है. Mother-child brother, no. They like uncle-child brother. Cousin की तरह है. अच्छा बोले ऐसा होता है. So the hippo Hippopotamus will looks like this. So ये, if you are seeing, ये hippopotamus है जो कि है बिल्कुल. The dinosaurus he will looks like this. हैं? Oh my God! Wow! They will both looks very very same. The body will almost the same, but is some different in the dinosaurus. If you see the dinosaurus, बस जो भाई बस इतने कनॉलेजेबल कैसे हो आप इतनी कनॉलेज कहाँ से आई आपके में इतनी देर से ये बंदा डायनोसोरस बोल के राइनोसोरस की बात कर रहा था और मैं सोच रहा हूँ कौन सा डायनोसोर हिप्पोपोटामस इसने मेरी इंग्लिश भी खराब कर दी मेरी कनॉलेज भी चली जाएगी सारी कौन सा डायनोसोर हिप्पोपोटामस के जैसा उसका कजन भाई दिखता है तालियां हो जाएगा इस एक बार इस बंदे के लिए अद्भुत नेक्स्ट लेजेंड है मेरा पर्सनल फेवरेट हसीनाओं के दिल का राजकुमार उनकी रातों की नींद चुराने वाला लिपस्टिक रिमूवर मैक्स नेपाली मी एंड माय लार्ज ब्रदर सेल्फिश विद उमरी का पेप्सोडेंट मिस्टर डाउनलोड ड्रम उमरीका के पेप्सोडेंट मिस्टर डाउनलोड ड्रम मारो मुझे एंड क्योंकि अमेरिका के पेप्सोडेंट मिस्टर डाउनलोड ड्रम की बात हो ही रही है एज द ग्रेट रिलीजियस टीचर स्वामी विवेकानंद वंस सेड ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा जया से हेलीकॉप्टर 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 छोटे छोटे से नहीं होते पापा पापा हेली की पोतल मुझे भी छवाली करनी है तारे जमीन पर I don't know के डबल सवारी लगी है I need news but I don't know I see this news but I don't see yes आती है but
मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैंने कल न्यूज नहीं देखी स्कूल में जब वाइवा का आंसर नहीं आता होता नेचर अमेजिंग कुत्ता अमेजिंग नहीं भागेगा सड़े ही फ्लाई गो उड़ गया एंड नाउ यस आती है बट थैंक यू सर पास हेलो माय नेम इज जुमार एवरी 60 सेकंड्स इन अफ्रीका A minute passes. Together we can stop this. Every 60 second a minute passes. 60 second is equal to 1 minute. 1 minute is equal to 60 second. 60 second is equal to 60 second. Second second equal to 60. 60 60 divided by 60 is equal to 1. 1 is equal to 1. 0 is equal to 0. Therefore. Yeah, Khuda. ये तो सीधा shot लेगी. एंड में मैं बस एक ऑनरेबल मेंशन देना चाहूंगा इन दीदी जी को इन्होंने एक वीडियो बनाई है यूट्यूब पे जिसपे 10 मिलियन व्यूज है हाउ टू लर्न इंग्लिश इन 5 स्टेप्स एंड लेट मी टेल यू गाइस अगर आपको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती है तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल नहीं है क्योंकि इंग्लिश सिखा रही है दीदी जी इंग्लिश में इंग्लिश लर्निंग इज अ हैबिट दैट यू कैन इनकॉर्पोरेट आई गेस व्हेन आई वाज इन क्लास 5 और 6 आई वुडंट हैव एवर इमेजिन दैट आई कैन लर्न इंग्लिश ऑनलाइन हाउएवर टुडे किड्स समझ रहे हो तुम अगली इंग्लिश बोलना सिखा रही है इंग्लिश में तो सपोज मेरे को ऑलरेडी इंग्लिश आती है तो मैं क्या करूंगा इसके वीडियो देख के क्योंकि मेरे को तो ऑलरेडी इंग्लिश बोलनी आती है लेकिन अगर मेरे को इंग्लिश बोलनी नहीं आती है तो भी मैं क्या करूंगा इसकी वीडियो देख के क्योंकि मेरे को तो इंग्लिश बोलनी आती नहीं है और ये इंग्लिश बोलना सिखा रही है इंग्लिश में लेकिन मेरे को तो इंग्लिश समझ ही नहीं आती ना क्योंकि मेरे को तो इंग्लिश बोलनी आती नहीं है तो इसका मतलब मेरे को तो समझ नहीं आएगा ये इंग्लिश में क्या बोल रही है तो इंग्लिश एक्सेप्शन हो गया कोई सेंस नहीं है कोई लॉजिक नहीं है बट ठीक है यार एनीवेज इनकी वीडियो देखकर आप इंग्लिश बोलना सीखे ना सीखे लेकिन डुओलिंगो ऐप पे आप जरूर इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप डाउनलोड कर लो एंड वीडियो को लाइक कर देना एंड आई प्रॉमिस मैं बहुत दिनों बाद वीडियो डाल रहा हूँ एंड उसका रीज़न ये था कि आजकल ना मैं थोड़ा सा लाइव इंसान वाले चैनल पे गेमिंग चैनल पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करने लग गया हूँ मैं गेमिंग में थोड़ा बहुत ज़्यादा हो गया था लेकिन अभी मैं वापस आ चुका हूँ इस चैनल पे और अब रेगुलर वीडियो आएगी और अगर अगले अच्छा चलो चार दिन में वीडियो नहीं आई ना तो जिस गली से मैं गुजरूं वहां मेरा पुतला जला दे नहीं ऐसा कुछ मत करना एंड हम मिलते हैं अगली वीडियो में थैंक्स फॉर वाचिंग आज की वीडियो जो है ना वो देख के मुझे एक पुराना पाकिस्तानी ड्रामा था वो इंग्लिश में बना हुआ था हाँ और उसमें इंग्लिश इन्होंने बोली हुई थी पंछी और परदेसी मुड़ वापस नहीं आते हाँ। बर्ड्स एंड पैसेंजर्स नेवर कम बैक नहीं वो नहीं है उम्र तेरे किल द वेव्स मुझे मारो वैसे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं इंसानों में जो कि हम लोगों को यू नो मुझे ऐसा लगता है ना कि प्रॉब्लम ये आ जाती है सॉरी मैं तो मैं बोला कुछ और जा रही थी मैं बोल ये रही हूँ कि हम लोगों को वाकई में होता है अंदर से कि हम लोग भाई इंग्लिश में बात करें बट मुझे ऐसा लगता है कि अब चीजें आकर काफी ज्यादा सही भी हो रही है कि लोगों को ये चीज समझ में आती जा रही है कि आपको अपनी लैंग्वेज को प्रेफर करना चाहिए इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी कम्युनिकेशन बैरियर को खत्म करने के लिए क्योंकि ये इंटरनेशनली है लेकिन इसको इतना ज्यादा नहीं ले लेना चाहिए यार वैसे अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो मुझे जहां तक लगता है हमारा जो ये साउथ एशिया का रीजन है ना यहीं पे ज्यादा क्रेज है या मिडिल ईस्ट की बात कर ले वहां पे है अगर हम यूरोपियन कंट्रीज की बात करें या चाइना रशिया या दूसरे जो हाँ डेवलप्ड कंट्रीज है अगर अरब में भी अब देखें ना जो मिडिल ईस्ट है वहां पे अब आगे रुझान बढ़ा है इस चीज का लेकिन वो लोग अभी भी अरबी बोलना ज्यादा प्रेफर करते हैं मुझे ऐसा लगता है ना मौजम मुझे एक कंप्लेन है वो ये कि वाकई में इंग्लिश जब बोलते हैं प्रोनंसिएशन गलत हो जाती है क्योंकि समटाइम्स ये होता है मतलब उसमें बड़े फैक्टर्स होते हैं एक चीज नहीं होती पर डायलेक्ट भी जो उनसे है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ना इंग्लिश अगर गलत होते हैं ना तो सारे ऐसे मजाक उड़ाना शुरू हो जाएगा जैसे पता नहीं क्या हो गया लेकिन अगर उर्दू अगर जैसे हम लोग बोल रहे हैं हिंदी बोल रहे हैं उसका वर्ड हमसे गलत निकलेगा वो किसी ने नहीं पकड़ना नॉर्मल सी चीज है असल में वही ना एक जैसे हमने बहुत सारी और चीजों को हाइप दी हुई है ना हमने इंग्लिश को भी बहुत ज्यादा जो है ना वो हाइप दी हुई है कि भाई इंग्लिश जो जिस बंदे को इंग्लिश आती है बेशक वो दूसरी तीसरी क्लास पास हो अगर उसे इंग्लिश आती है ना भाई ये बड़ा पढ़ा लिखा बंदा है क्योंकि इसे इंग्लिश आती है और इंग्लिश से अपॉर्चुनिटीज आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती है ये प्रैक्टिकल चीजें हैं वो क्या नाम लेते हैं एक मैंने बड़ी देर पहले क्लिप देखा था जिस ड्रामे की मैं बात कर रहा था उसमें से ना एक आदमी बाहर से आता है इंग्लैंड से आता है तो गांव में एक आदमी होता है वो पढ़ा लिखा नहीं होता लेकिन उसे एबीसी आती है तो गांव वाले लोग बिठा लेते कहते इसे अंग्रेजी में बात करो वो अंग्रेजी में बात करता वो आगे से एबीसीडी शुरू हो जाता है तो बेचारा जो है पागल हो जाता है
और वो जो एबीसी बोलने वाला स्कीम भी ज्यादा अच्छी है, ये फर फर बोल रहा है। लेकिन वैसे यहाँ पर मैं पहले वाले क्लिप की बात करूंगी, मुझे वो सच में समझ नहीं आ रही थी कि वो वाकई में ऐसे बोलते हैं या फिर वो मजाक में अपने चैनल पे इस तरह से वीडियो डालते हैं, क्योंकि मैं उसको लेकर थोड़ा कंफ्यूज हूँ। मैंने वो चैनल पहले कभी देखा नहीं और सुना भी नहीं है उसके बारे में, तो मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं, शायद हो सकता दोनों चीजें हो सकती हैं। और अगर वो मजाक में नहीं ले रहे और सीरियस होकर ऐसी वीडियो बना रहे हैं तो मैं तो उनकी कॉन्फिडेंस की दाद दूंगी। सही बात है, इतना कॉन्फिडेंस होना यार, एक उनके कॉन्फिडेंस की और एक वो जो लड़का था व्हाइट शर्ट वाला जो पाकिस्तानी लड़का, उसके भी कॉन्फिडेंस की दाद देने वाली है, क्योंकि जिसने उसने इंग्लिश बोली वाकई बहुत अच्छी थी। लेकिन ना एक चीज है, मुझे भी ये लगता है कि अगर आपको नहीं सीखो, सीखना अच्छी बात है, उसमें कोई रुकावट नहीं है ना ही कोई दिक्कत है। लेकिन ये है कि मतलब ऐसे बनकर, अपनी तरफ से बनकर बोलना और अगले बंदे को शो ऑफ करना, वो चीजें मुझे लगता है काफी ज्यादा। यार आती है तो ठीक है, नहीं आती तो यार जो आती है वो बोलो ना, उर्दू या हिंदी जो आपको आती है। सीखनी चाहिए, सीखनी चाहिए, लेकिन इसको इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए कि आप दूसरों को ना एम्बैरस करना शुरू। बिल्कुल सही बात है, मतलब इस लेवल तक हम लोग चले जाते हैं। और मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि अगर मैं उर्दू की और हिंदी की बात करूं, वैसे तो संस्कृत जो है वो सारी लैंग्वेजेस की मदर है, वो तो मतलब जब गूगल भी टाइप करो तो पता चलता है उसमें भी, और हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हम लोगों को स्क्रीनशॉट्स लेकर भी भेजते हैं, थैंक यू सो मच कि हमारे नॉलेज में आप इतना इजाफा करते हैं। तो मैं ये बात करती हूँ कि अगर उर्दू की और मैं हिंदी की बात करूं, मैं इन दो लैंग्वेज की इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि हमारे इस जगह पर ज्यादा वो इस्तेमाल की जाती है। तो उर्दू में बल्कि डिफरेंट वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो काफी मुश्किल है, और आई एम श्योर हिंदी में भी काफी ज्यादा डिफरेंट वर्ड है। इंग्लिश की बात करें उसमें रेपिटेशन काफी ज्यादा आपको देखनी पड़ती है। अच्छा, स्टार्टिंग में जो है ना, जब मैं थोड़े यू नो वर्ड डिफरेंट थे तो मैं लोगों से पूछता था, तो मुझे आगे से जवाब दे के थे कि आई कहां से है। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल वो हमने जो है वीडियो देखी जो प्रशांत सर वाली, उसमें उन्होंने वर्ड बोला कायम, ठीक है, तो स्टार्टिंग में जब किसी पूछता वो भी आगे आई कहां से है। लेकिन वैसे वाकई में हम लोगों को पहले इस चीज का नहीं पता था। अब हम लोगों को इन चीजों का पता चल गया है तो हम लोगों को काफी अच्छा भी लगता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ओरिजिन क्या है, हिस्ट्री क्या है, आप लोग कहाँ से हैं। हम लोगों को भी बहुत ज्यादा लोग बोलते हैं ना बट और भट, तो वो लोग भी वो चीजें भी हम लोगों को पता चलती है, पहले हम लोगों को नहीं पता थी। पहले ये सब चीजें हमें मिलती हैं, मतलब पता चलती है आप लोगों की बदौलत, और थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया। जिसको अंग्रेजी आती है नहीं आती, बस मेन पर्पज मुझे लगता है ये होना चाहिए कि हमें एक दूसरे को बात करते हुए रिस्पेक्ट देना चाहिए, और जो अगला बंदा उसको भी चाहिए कि वो ज्यादा ओवर स्मार्ट ना बने। अगर इंग्लिश आ रही है तो बोल दो, नहीं आ रही तो वही बोल दो, मुझे नहीं आती मैं नहीं बोल सकता, पर इससे ज्यादा अच्छी बात है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक छोटा सा मैंने क्लिप देखा था, उसमें ना पाकिस्तानी कोई पंजाबी थी, क्लिप था काफी पुराना, वो किसी ने बनाया हुआ था। उसमें जो है ना पुरानी फिल्मों में होता था लड़का लड़की साथ खड़े एक दूसरे बुलाते थे, शर्माते थे, तो वो उसे कहता रानो वाकई कहती स्पीक वे। देखा आपने? मैं इमेजिन कर सकती हूँ पंजाबी में, मैं इतनी हंसी आई। और बाकी उस बंदे की क्या ना दाते जिसने वो ड्रामा लिखा था, ये क्लिप लिखा था, नहीं तो क्या मतलब सच में वो ऐसे बोला? हाँ, I thought किसी ने उसके ऊपर मीम बनाया। नहीं 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 नहीं, हकीकत में वो इस तरह था। वाह वाह वाह, बहुत मजा आया हम लोगों को ये वीडियो देखकर। और ट्रिगर्ड इंसान की हम लोगों की हमेशा वीडियो देखने का बहुत मजा आता है। और जो उन्होंने बीच में एक ऐप के बारे में बताया वो हमारे लिए भी बहुत ज्यादा, मैं तो सोच रहा हूँ बाद में डाउनलोड, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि मैं भी अभी इसको डाउनलोड करूंगी, क्योंकि आपको सीखते रहना चाहिए, वो अच्छी आदत है। और इसी के साथ हम आपसे चाहेंगे आज हमारे वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कीप अस इन योर प्रेयर्स। गुड बाय।